हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ क्लास थर्ड सेट ए आई एम क्वेश्चन पेपर 2024-25. लेट्स चेक द आंसर क्वेश्चन वन द गिवन क्लॉक शोज द टाइम एट विच रीना वेंट टू प्ले एंड केम बैक होम फॉर हाउ मच टाइम डिड शी प्ले तो रीना गई थी खेलने के लिए 4:15 को एंड देन आई है 6:45 को तो 4:15 से 5:15 हो जाता है वन आवर एंड फाइव फिफ्टीन से सिक्स फिफ्टीन हो जाता है टू आवर्स एंड फिफ्टीन से लेकर फोर्टी फाइव मिनट्स अगर काउंट करें तो थर्टी मिनट्स हो जाता है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी टू आवर्स थर्टी मिनट्स दैन क्वेश्चन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड तो यहाँ देखिए इमीडिएट वर्ड दिया गया है तो इसमें जब आप ऑप्शंस देख लेंगे तो ऑप्शन बी में आप देखेंगे द वर्ड इज मेल्ट एल इमीडिएट में नहीं आता है सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा मेल्ट जो है वर्ड ऐसा है जो इमीडिएट वर्ड से नहीं फॉर्म हो सकता है क्वेश्चन थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैज टू सर्कुलर फेसिस एंड वन रेक्टेंगुलर फेस तो टू वन रेक्टेंगुलर फेस आपको किस में दिख रहा है बी में तो नहीं दिख रहा है सी में भी नहीं दिख रहा है कुछ बच्चे ए लिख कर आए हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वुडन लॉग लकड़ी का जो बड़ी ट्री होती है उसको जब काटते हैं वुडन लॉग होता है दोनों तरफ जो होता है दैट इज द सर्कुलर फेस ये जो है दिस इज द सर्कुलर फेस एंड ये जो है दिस इज द रेक्टेंगुलर फेस सो ऑप्शन डी वुडन लॉग इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन फोर फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलोड इन ऑल द थ्री फिगर्स तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिगर में सिक्स एंड नाइन्टी सिक्स है एंड लास्ट फिगर में फाइव एंड थर्टीन है तो सिक्स सिक्सटीन एंड सिक्सटीन सिक्स ज़ार इज़ नाइन्टी सिक्स एंड सिक्सटीन फाइव ज़ार इज़ सिक्सटी फाइव इसका मतलब है कि दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर थर्टीन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन्टी वन आएगा तो थर्टीन का अगर टेबल आप रिकॉल करेंगे तो थर्टीन इंटू सेवन इज़ नाइन्टी वन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन

वॉवल्स को रिमूव कर दीजिए ए ई यू आई अब ये राइट right एंड है तो आपको बताना है कि डैश इज़ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड तो ये लेफ्ट एंड होगा तो वन टू थ्री फोर सो क्या फोर्थ पर है दिस इज एस इज लेफ्ट एंड से फोर्थ है ऑप्शन बी क्वेश्चन ए सेवेन सिलेक्ट द ऑड वन आउट ठीक है तो ये सारे फिगर्स में देखिए बाहर में भी चार कलर हैं ब्लू कलर एंड अंदर में भी चार ट्राइंगल्स कलर्ड हैं दैट इज फोर येलो कलर बी में भी वही चीज़ है एंड इवन सी में भी वही चीज़ है तो ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है सो ऑप्शन डी इज़ ऑड वन आउट क्वेश्चन एट सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर तो इस जो यहाँ पे जिसने चेस खेला है इस हॉर्स की आपको मिरर इमेज फाइंड करनी है तो मिरर जो है इस हॉर्स से राइट right साइड में है तो इसका मिरर इमेज बनेगा ऑप्शन सी क्वेश्चन नाइन इफ अर्थ मीन्स क्लाउड क्लाउड मीन्स सन एंड सन सन मीन्स मून देन ब्लैंक गिव्स अस रेन तो कुछ बच्चों ने इसको इस तरीके से क्वेश्चन को समझा था वो वाला जो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा अर्थ इज कॉल्ड क्लाउड क्लाउड इज कॉल्ड सन तो वो अलग है और ये वाला जो है ये अलग है दोनों में कुछ डिफरेंस है तो यहाँ पर फॉलो होता है रूल ये वाला अर्थ का मतलब क्लाउड होता है तो ये इस तरीके से जाता है सन का मतलब क्लाउड होता है एंड मून का मतलब सन होता है ठीक है तो अर्थ इज इक्वल टू क्लाउड तो हमें रेन कौन देता है क्लाउड बट यहाँ पे क्लाउड का मतलब क्या है अर्थ है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी अर्थ क्वेश्चन टेन हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सिक्सो टेलीस्कोप इच कैन बी फॉर्मड फ्राम द गि टेलीस्कोप तो छह टेलीस्कोप का आपको सेट बनाना है टोटल so, कितना हो गया टोटल थ्री सेट्स बनेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थ्री क्वेश्चन इलेवन कंपेयर एंड फिल द बॉक्स यूजिंग ग्रेटर दैन स्मॉलर देन इक्वल टू साइन सो प्लेस वैल्यू ऑफ़ फ़ोर इन नाइन फोर एट टू तो क्या हो जाती है प्लेस वैल्यू तो फोर इज़ एट हंड्रेड प्लेस तो फोर की वैल्यू हो जाएगी फोर हंड्रेड अब प्लेस वैल्यू ऑफ़ डिजिट्स एट थाउजेंड प्लेस इन नाइन जीरो फाइव सेवन फोर तो ज़ीरो है थाउजेंड प्लेस पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो सो ऑब्वियसली फोर हंड्रेड इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन ट्वेल्व इफ वन बकेट इज इक्वल टू थ्री जग एंड वन जग इज इक्वल टू टू लीटर्स देन व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बकेट तो यहाँ पर एक जग की वैल्यू कितनी आ रही है एक जग की वैल्यू टू है तो तीन जग की कितनी होगी थ्री इंटू टू सिक्स लीटर्स तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी क्वेश्चन थर्टीन द अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज ब्लैंक पहले यहाँ पर आप टोटल काउंट कर लीजिए ताकि डिनोमिनेटर में आप लिख सकेंगे सो दिस इज़ लेट्स काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप थर्टी टू लिखेंगे ठीक है और अब आपको अनशेडेड फ्रैक्शन काउंट करना है सो इट इज़ यहाँ पे अनशेडेड करना है तो ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवेन्थ ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन तो टोटल नाइन्टीन ऐसे पार्ट है दैट इज अनशेडेड तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइनटीन बाई थर्टी टू क्वेश्चन फोर्टीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेट्स हैज़ इक्वल अमाउंट ऑफ मनी तो यहाँ पे पहले आप पी को देख लीजिए तो पी में वन टू थ्री फोर फाइव दस ऐसे कॉइन्स हैं पांच कॉइन्स हैं दस दस रुपये के तो टेन इंटू फाइव इज़ फिफ्टी एंड बाकी के हैं पांच पांच रुपये के तो फिफ्टी एंड ट्वेंटी इज़ सेवेंटी ठीक है सो so, पी पी की वैल्यू आ जाती है ये हो जाएगा सेवेंटी रुपीज़ देन क्यू आ जाता है तो टेन रुपीज़ का कॉइन है और फिफ्टी रुपीज़ का कॉइन है तो फिफ्टी प्लस टेन सिक्सटी एंड दो पाँच पाँच रुपए के हैं तो ये भी इसकी भी वैल्यू आ जाती है सेवेंटी रुपीज़ देन थर्ड में है दिस इज़ ट्वेंटी दिस इज़ ट्वेंटी 40 एंड दिस इज तो ये हो जाता है फिफ्टी तो ये जो दो हैं पी एंड क्यू इसकी वैल्यू सेम है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन फिफ्टीन तो यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है ये पिक्टोग्राफ है इसे आपको देखना है केयरफुली तो द गिवन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ अनब्स मेड बाय अ ग्रुप ऑफ़ फाइव फ्रेंड्स ड्यूरिंग समर वैकेशन स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हु मेड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ एनवलप्स रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पे मैक्सिमम क्लियर दिख रहा है वरुण ने बनाया था ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन एनवल्स बनाए थे और मिनिमम जो है हमें दिख रहा है यहाँ पे मानव ने बनाया था वन टू एंड थ्री एनवल्स ठीक है तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हमें फाइन करना है सो इट इज़ वरुण एंड मानव ऑप्शन बी सेकेंड पार्ट होगा इस क्वेश्चन का दैट इज क्वेश्चन सिक्सटीन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द वल्ब्स मेड इफ द कॉस्ट ऑफ वन ऑनवल्प इज रुपीज़ फाइव तो टोटल यहाँ पे आप देख लीजिए कितने ऑनवलअप्स थे तो यहाँ पे सेवन थे यहाँ पर दिस इज़ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है इसको जब आप टोटल करेंगे तो टोटल ऑनवलअप्स हो जाएंगे ट्वेंटी फ़ाइव अब वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फ़ाइव हो जाएगा सिक्स ट्वेंटी फाइव एंड धन सिक्स ट्वेंटी फाइव को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे फाइव से क्योंकि एक ऑन वाला आपका कॉस्ट पांच रुपए है तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री वन टू फाइव ऑप्शन ए क्वेश्चन एटीन इफ एक्स इज द रिमाइंडर ऑफ टेन ऑन डिवाइडिंग फाइव सिक्सटी बाई एट एंड वाई इज द सम दाइव ट्वेंटी एंड एट देन द वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इज तो यहाँ पे एक्स फाइव सिक्सटी को आप पहले डिवाइड करके देख लीजिए तो जब आप डिवाइड करेंगे तो क्योंकि फ़ाइव सिक्सटी इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई एट तो रिमाइंडर जो है जीरो आएगा और फाइव ट्वेंटी एंड एट का जो सम होगा इट वुड बी फाइव ट्वेंटी एट किसी भी नंबर को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है जीरो तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो गई जीरो एंड वाई की वैल्यू हो गई फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट सो जीरो मल्टीप्लाई बाई फाइव ट्वेंटी एट क्या होगा आंसर इज ऑप्शन सी जीरो दैन क्वेश्चन नाइनटीन द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ कार्तिक एंड स्मृति इज़ ब्लैंक तो यहाँ पर कार्तिक की हाइट दिख रही है आपको इट इज़ हंड्रेड सेंटीमीटर्स एंड स्मृति की हाइट है एट्टी सेंटीमीटर तो डिफरेंस क्या होगा सिंपली सप्रैक्ट करना है एट हंड्रेड माइनस एट्टी वी गेट ऑप्शन ए ट्वेंटी सेंटीमीटर क्वेश्चन ट्वेंटी फोर्टी एट डिवाइडेड बाई दिस हैप्पी स्माइली इज इक्वल टू सैड सॉम्स स्माइली ओके सो इफ हैप्पी स्माइली इज़ एन इवन नंबर एंड सैड स्माइली इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर दैन वॉट कुड नॉट बी दिस टू नंबर तो जब आप चारों ऑप्शन में देखेंगे ए में इवन नंबर है सी में इवन नंबर है डी में इवन नंबर है और बी में क्या है इट इज़ और नंबर तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा थ्री एंड सिक्सटीन सिक्सटीन एंड थ्री से भी फोर्टी एट जो है डिविजिबल बाई थ्री है सिक्सटीन थ्रीज आर फोर्टी एट बट क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है ई नंबर की इसीलिए आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है एवरी डे मैथमैथिक्स तो इसमें है क्वेश्चन ट्वेंटी वन देर आर ट्वेंटी फ्लैट्स इन अ सोसाइटी इफ द वाटर कंजम्पशन ऑफ ईच फ्लैट इज वन ट्वेंटी फाइव लीटर्स पर डे देन हाउ मच टोटल वाटर इज कंज्यूम्ड बाई ऑल द फ्लैट्स इन अ डे सो एक सोसाइटी में ट्वेंटी फ्लैट्स हैं एंड कंजम्पशन एक फ्लैट का 125 है ठीक है इसमें सिंपली आपको यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ही करना है सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 125 ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी दैट इज़ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम होता है ऑप्शन सी है देन क्वेश्चन 22 है रोहित वॉक अराउंड अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन ऑफ साइड फोर्टी मीटर्स ठीक है साइड हमें बता दिया गया ट्वेंटी फाइव मीटर हाउ मच टोटल डिस्टेंस डिट ही कवर तो यहाँ पर भी ट्वेंटी फाइव यहाँ भी ट्वेंटी फ़ाइव एंड यहाँ भी ट्वेंटी फाइव सो यहाँ पर सिम्पली ट्वेंटी फाइव प्लस हमें ऐड कर देना है ठीक है तो ट्वेंटी फ़ाइव प्लस ट्वेंटी फ़ाइव प्लस चारों डिस्टेंस का हो जाएगा तो हमें हो जाए मिल जाएगा वन हंड्रेड एंड एट्टी सीटर्स ऑप्शन बी क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री प्रियंका बॉट वन ट्वेंटी फाइव चॉकलेट्स इफ़ शी डिस्ट्रीब्यूट्स द चॉकलेट्स अमाउंड हर फिफ्टीन स्टूडेंट्स इक्वली देन हाउ मैनी चॉकलेट्स विल बी लेफ्ट विथ हर तो यहाँ पे आपको डिविजन करना होगा वन ट्वेंटी फाइव को आप डिवाइड करेंगे फिफ्टीन से सो इट वुड बी फिफ्टीन एट वन ट्वेंटी और बच गए पाँच तो पाँच चॉकलेट्स बच जाती हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोशन ट्वेंटी फोर नविया हैज़ रुपीज़ टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फ़ाइव इन हर वॉलेट शी वॉन्ट्स टू बाई द गिवन पेर ऑफ़ शूज़ हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाई द गिवन पेर ऑफ शूज़ यहाँ पे इस शूज़ की प्राइस है फाइव हंड्रेड एंड थर्टी रुपीज़ और उसके पास कितने हैं नविया के पास शी हैज़ रुपीज़ टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव तो फाइव थर्टी में से उसको सिंपली सब्ट्रैक करना होगा So she will get the answer as three hundred five answer c. question twenty five Mrs. Sharma wrote a four digit number on the blackboard. Three students Anshu Vishal and Badal said the following statements about that number. Anshu ne kya it is a four digit number but not the least. Matla four digit number have least hai. It is less than largest four digit number but greater than triple लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या है नाइन 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 और उसने क्या बात कही कि ग्रेटर देन ट्रिपल नाइन सेवन है ठीक है मतलब इन दोनों के बीच का कोई नंबर हो सकता है दूसरी बात क्या थी बादल ने जो कही इट्स हंड्रेड प्लेस डिजिट इज़ नाइन ओके तो हमें ये पता है हंड्रेड प्लेस डिजिट इज़ नाइन सो दिस इज़ नाइन नाइन एंड ई फॉल दैन तो यहाँ पर जो नंबर होगा इट वुड बी ट्रिपल नाइन एट क्योंकि नाइनटी सेवन ट्रिपल नाइन सेवन से बड़ा है एंड नाइन 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 से छोटा है तो इट इज़ ऑप्शन बी क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स देर आर एटीन हंड्रेड बुक्स प्लेसड इन अ लाइब्रेरी आउट ऑफ विच टू फिफ्टी आर हिंदी फाइव थर्टी आर लिटरेचर एंड बेस्ट आर इंग्लिश स्टोरी बुक्स तो यहाँ पर हिंदी हो गई 250 लिटरेचर हो गई 530 दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 780 एट्टी नाव टोटल बुक्स में से आपको इन इनकी टोटल माइनस करनी है दैट इज़ यू गेट 1020 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्वेंटी सेवन्थ क्वेश्चन विशाल सेव 250 फिफ्टी ईच मंथ इन फर्स्ट सिक्स मंथ मतलब पहले छः महीने के लिए रुपीज़ टू फिफ्टी सेव किए तो टू फिफ्टी आ जाता है पंद्रह पहले छः महीने में सेव कर लिए एंड बाकी के जो छः महीने में थे इन्होंने सेव किए रुपीज टू हंड्रेड तो दैट इज टू हंड्रेड इंटू सिक्स ट्वेल्व हंड्रेड आ जाता है अब इनका टोटल आपको कर लेना है फिफ्टीन हंड्रेड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड पूरे साल में विशाल ने सेव किए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन ट्वेंटी एट द टेम्परेचर ऑफ अ सर्टेन प्लेस इन द मॉर्निंग वॉज ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्शियस इफ़ द टेम्परेचर गॉट डिक्रीज बाई एलेवन डिग्री सेल्शियस इन द नाइट दैन वॉट वॉज द टेम्परेचर ऑफ़ दट प्लेस एट नाइट मॉर्निंग में सत्ताईस डिग्री था डिक्रीज होते होते ग्यारह डिग्री हो गया अब सिंपली आप सब ट्रैक कर लो आंसर आ जाएगा सिक्सटीन डिग्री सेल्शियस ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है दिया वेज फिफ्टी फोर के जी फोर थर्टी फाइव ग्राम काविया वेज फिफ्टी टू के जी फोर हंड्रेड ट्वेल्व ग्राम हू वेज मोर एंड बाई हाउ मच क्लियरली दिख रहा है कि दिव्या का वजन ज़्यादा है अब आपको सब्ट्रैक करना है तो सबट्रैक्ट जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा टू किलो ट्वेंटी थ्री ग्राम तो दिव्या ज़्यादा है तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन थर्टी कीर्ति बॉट फिफ्टी कैंडीज टेन कैंडीज टू तो हर सिस्टर एंड फिफ्टीन कैंडीज टू तो हर ब्रदर वट फ्रैक्शन ऑफ टोटल कैंडीज आर लेफ्ट विथ हर तो 15 प्लस टेन कितना हो जाता है 25 तो 25 फाइव बाई फिफ्टी कैंडीज तो उसने बांट दी अब बची कितनी तो 25 फाइव बाई फिफ्टी कैंडीज बच गई हैं तो दैट इज ऑप्शन बी अचीवर सेक्शन तो क्वेश्चन 31 वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सो यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑप्शन है द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इज दिस तो लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर इज नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन तो जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा दिस वन तो ये वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट देन स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्मड बाय यूजिंग थ्री जीरो नाइन फाइव इज यूजिंग द डिजिट्स ओनली वंस तो ये है थ्री जीरो फाइव नाइन तो ये वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है देन थर्ड इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट टू इन टू फोर वन इज थ्री टाइम्स तो इसकी क्या वैल्यू है दिस इज टू हंड्रेड एंड थ्री प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन फोर इज़ फोर्टी फोर्टी है ना तो फोर्टी को जब थ्री टाइम्स होगा तो नहीं होगा ठीक है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है तो यहाँ पे सिर्फ पी एन क्यू करेक्ट क्वेश्चन थर्टी टू ऑब्जर्व द गिवन फिगर्स केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो ये वाला जो फिगर दिया गया है तीन यहाँ पे शेडेड अनशेडेड वाला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पी है द सम ऑफ ऑफ शेडेड फ्रैक्शन फिगर एक्स एंड अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ फिगर जेड इज वॉट तो, तो यहाँ पर आप देख लीजिए सम ऑफ शेडेड फ्रैक्शन ऑफ फिगर एक्स तो एक्स का जो शेडेड फ्रैक्शन इज फोर बाई ट्वेल्व एंड अनशेडेड फ्रैक्शन ऑफ जेड क्या आता है जेड तो जेड का है सिक्स बाई ट्वेल्व सो so, इनको जब आप टोटल करेंगे तो इट वुड बिकम टेन बाई ट्वेल्व ठीक है तो इस चीज़ को आप ऑप्शन में देख लीजिए तो यहाँ पर ये यह चीज़ आपको दिखेगी ऑप्शन डी में कि टेन बाई ट्वेल्व है अब सेकेंड वाला क्यू वाला पार्ट देख लीजिए तो द नंबर ऑफ मोर पार्ट दैट शुड बी अनशेडेड इन फिगर जेड टू मेक द शेडेड फ्रैक्शन एज थ्री बाई ट्वेल्व तो क्या करना होगा यहाँ पर तो ये वाली जो फिगर है इसमें देखिए वन वन टू अनशेडेड करना होगा तो मेक द शेडेड फ्रैक्शन थ्री बाई ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स बाई ट्वेल्व अभी है पर और हमें इसको थ्री बाई ट्वेल्व करना होगा तो ये कैसे हो जाएगा तो तीन और पार्ट को हम शेड कर देंगे तो इसका आंसर होगा थ्री बाई थ्री होना चाहिए तो यहाँ पे क्यू थ्री होगा एंड देन आर में हो जाएगा फिगर डैश है मैक्सिमम शेडेड फ्रैक्शन तो फिगर वाई में सबसे ज़्यादा शेडेड फ्रैक्शन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है तो बार ग्राफ दिया गया है फोर फ्रेंड्स के मंथली वीक सॉरी वीकली मैथ टेस्ट का तो यहाँ पे पी वाला देख लीजिए हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर स्कोरड बाई गौरव एंड वंश तो गौरव को है ट्वेंटी फोर मार्क्स एंड वनीश को है फिफ्टीन मार्क्स तो ज़्यादा मार्क्स किसको आए थे गौरव को आए थे एंड हाउ मैनी मोर तो इट इज़ ऑप्शन ए या सी होना चाहिए क्योंकि नाइन्थ है ठीक है बाकी दोनों ऑप्शन आप निकाल दो देन क्यू में था फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स ऑपटेंड बाई महिमा एंड पूजा टुगेदर टू द मार्क्स ऑप्टेंड बाई द फोर फ्रेंड्स ऑल टुगेदर तो महिमा एंड पूजा का टोटल मार्क्स हो जाता है थर्टी एंड चारों फ्रेंड्स का अगर आप मिला लोगे तो हो जाएगा सिक्सटी नाइन तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा थर्टी बाई सिक्सटी नाइन या टेन बाई थर्टीन तो थर्टी बाई सिक्सटी नाइन इज अंडर ऑप्शन ए अब क्वेश्चन थर्टी फोर है अरेंज द गिवन फिगर्स नॉट ड्रॉन टू स्केल इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द फिगर्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे पी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा सेवनटीन सेंटीमीटर Q को कैलकुलेट करोगे 32 आ जाएगा ना R को 29 तो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा वाला दैट इज सेवेंटीन P हो जाएगा सेकेंड में 29 नाइन दैट इज़ आर हो जाएगा लास्ट में Q हो जाएगा तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर हमें मिलेगा P R Q ऑप्शन A तो लास्ट सेक्शन है लास्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज ऑफ आई एम ओ तो ये वाला देख लेते हैं द टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स इन फाइव वीक्स एट फोर्टी येस एक वीक में सात दिन होते हैं पाँच वीक्स में फाइव इंटू सेवन थर्टी फाइव डेज होंगे एक दिन में ट्वेंटी फोर आवर्स होते हैं तो थर्टी फाइव को जब आप ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट एट हंड्रेड एंड फोर्टी तो ए वाला करेक्ट है देन बी में आप देख लीजिए इफ़ द गिवन क्लॉक इज़ सेवनटीन मिनट्स लो तो हमें गिवन क्लॉक में क्या दिख रहा है टाइम इज़ फाइव फिफ्टीन तो करेक्ट टाइम क्या होना चाहिए फाइव फिफ्टीन में आप सेवनटीन मिनट्स और जोड़ेंगे तो यू गेट फाइव थर्टी टू फाइव ट्वेंटी एट नहीं आना चाहिए तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स देन ऑप्शन सी में दिया गया है इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूजडे देन एथ डे फ्रॉम टुडे विल बी थर्सडे डे बिफोर यस्टरडे क्या था ट्यूजडे था तो यस्टरडे क्या होगा वेटनसडे होगा टुडे होगा थर्सडे तो आज से आप थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेटनसडे एंड थर्सडे तो आज से अगर आप एथ डे को गिनोगे कंसिडरिंग टुडे एज द फर्स्ट डे तो एथ डे वुड बी अगेन थर्सडे तो ये वाली तो स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमें मिल गया टी एफ टी ऑप्शन डी और इस पेपर का अगर आपको प्रैक्टिस एंड रेफरेंस पर्पज़ के लिए ईमेल सॉरी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर देना ठीक है